प्रदेश के जिला मुरादाबाद के सपा के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने एक सभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान देते हुए उनका एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें डॉक्टर एसटी हसन ने उस वीडियो में कहा कि उज्जैन मंदसौर इंदौर के बारे में उन्होंने एक टिप्पणी वाला बयान वहाँ के लोगों के बारे में कहा था, जिसके चलते उसका पलटवार मुरादाबाद के कांग्रेस प्रतिनिधि सांसद पद के प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी ने पलटवार करते हुए इस वीडियो का जवाब देते हुए कहा कि मैं उस सारी जगहों पर उस टाइम की घटना के वक्त रहा हूं। डॉक्टर एसटी हसन वहां के विवादित बयान पर माफी मांगे। मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन का एक बयान सोशल मीडिया पर तैर रहा है, जिसमें वो उज्जैन मंदसौर और इंदौर के वो लोग जो इन दिनों जुल्म का शिकार हुए हैं उनको बिका हुआ मुसलमान कह रहे हैं। वो बयान बहुत शर्मनाक है। मुझे हैरत है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर के और इतने सीनियर होकर के बिना मामले की सच्चाई जाने हुए उन्होंने इस तरह का बेहुदा बयान दिया। मैं इसे बेहुदा बयान कहूंगा। अगर उन्होंने मंदसौर या इंदौर या उज्जैन के किसी एक इंसान से बात करने की कोशिश की होती और जानने की कोशिश की होती कि इंदौर, उज्जैन और मंदसौर में क्या हुआ है, तब शायद वो मामले की सच्चाई समझ सकते। मैं उस घटना को बहुत करीब से इसलिए जानता हूं कि कई डेलीगेशन को चीफ सेक्रेटरी से, डीजीपी से मिलाने की कोशिशें करने वालों में से मैं रहा हूं। दिग्विजय सिंह जी पूरा डेलीगेशन लेकर मिले। आरिफ मसूद लगातार उस मामले में काम कर रहे हैं। किस तरह से सरकारी शह पर पुलिस के लोग किस तरह से जुलूस की परमिशन दे रहे हैं और उसके बाद एक भीड़ जो है वो जा करके लोगों के मोहल्लों में मस्जिदों के सामने बदतमीजी कर रहा है, नारे लगा रहा है और बाद में एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। ऐसी घटना में भी सियासत करने की कोशिश करने वाले डॉक्टर एसके हसन साहब को अपने बयान पे माफी मांगनी चाहिए।